नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी विमान हादसे पर आज राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया। काला सागर में हुआ था विमान TU-154 दुर्घटनाग्रस्त। विमान में सवार 92 यात्रियों की हुई थी मौत। सरहद पर तनाव के बीच पाकिस्तान ने भारतीय मछुआरों को छोड़ा। कराची के मालर जेल में बंद 220 भारतीय मछुआरों को क्रिसमस के दिन किया गया रिहा। गैर कानूनी रूप से पाक की समुद्री सीमा में घुसने पर किया गया था गिरफ्तार। कांगो के किवु प्रांत में नरसंहार, 22 लोगों की मौत, कई जख्मी। नरसंहार के पीछे युगांडा विद्रोहियों को ठहराया गया जिम्मेदार। दक्षिण चिली में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 7.7 मापी गई भूकंप की तीव्रता, जान माल की कोई हानि नहीं। इराक के मोसुल में आतंकी संगठन आइसिस के खिलाफ अमेरिकी सेना का संघर्ष जारी। सेना ने 97 आतंकियों को किया ढेर, जबकि 4 आत्मघाती कार बम को किया ध्वस्त। इलाके के संयुक्त ऑपरेशन ने की पुष्टि। और मेक्सिको के मिचोआकिन राज्य में ड्रग तस्करी में शामिल दो गिरोह के बीच हुई हिंसा, 13 लोगों की मौत, 3 पुलिसकर्मी जख्मी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।